कल्चर में जो है फ्रेंडशिप डे है। 14 फरवरी को हम लोग शंकर जी का जल चढ़ाते हैं। सभ्यता है बस, इससे आगे नहीं। पश्चात सभ्यता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सनातन वाले हैं। जो है नए साल के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नया साल होता है। फरवरी एक्चुअली में जो है फॉरेन कंट्री से जो है रिटर्न हुआ है, वैलेंटाइन डे के रूप में जो हमारे देश में जो है नए हुआ, जिसको देख रहे हैं। 14 फरवरी क्या कहने का मतलब है आप? 14 फरवरी बसंत पंचमी पड़ रहा है, क्या बताएं हम तो बता दें, क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा। बाकी हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए प्रेमी प्रेमिका दिवस भी है, तो 14 फरवरी को 8,000 डंडे बजरंग दलाल ने खरीदे हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF की टुकड़ी जा रही थी और आतंकी हमलों के बाद 40 जवान शहीद हो जाते हैं। उन 40 जवानों के शहीदों की वर्दी या फिर उनके श्रद्धांजलि को लोग कैसे मना रहे हैं, इस बात की जानकारी करने के लिए हम बात करेंगे। पर ये 14 फरवरी को कैसे देखते हैं आप? 14 फरवरी एक तरफ से हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, एक देखा जाए तो शहीद दिवस, क्योंकि उस दिन हमारे 47 जवान पुलवामा हमला में शहीद हुए थे। तो हम जैसे कह रहे हैं ब्लैक डे, वैसे वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, अच्छी बात है मनाए, बट उसके साथ साथ हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे उनके लिए भी कुछ समय निकालें और ब्लैक डे के रूप और शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए। 14 फरवरी को कैसे देखते हैं? 14 फरवरी को क्या होता है? 14 फरवरी को जानते हैं क्या हुआ था? क्या हुआ था 14 फरवरी को जानते हैं या नहीं? नहीं, ध्यान नहीं, बताइए। 14 फरवरी को जानते हैं क्या हुआ था? मिलन टाइम डे। क्या हुआ था आप बता दीजिए। बताओ भाई, बताओ आप बता दीजिए। मिलन टाइम डे बता रहे हैं भैया, क्या हुआ था? वैलेंटाइन डे। हाँ, वैलेंटाइन, अरे वही जो वैलन मिलन जो भी है, वही सोच रहा था सर से कि 14 फरवरी को क्या हुआ था, ये बोल रहे हैं वैलेंटाइन डे, आप क्या बोल रहे हैं? वैलेंटाइन डे हम तो इसको मनाते हैं, हम तो उस पर डंडा चलाते हैं जो ऐसा काम करता है, समझ गो। हाँ, कतई नहीं, वो संविधान हिंदुस्तान और सनातन के खिलाफ है। आप करना चाहते आप घर में जाए, अगर पार्कों में कोई मिल जाएगा तो उस पर ठीक नहीं होगा, समझ। जिसकी जो 14 फरवरी को जानते हैं क्या हुआ, कुछ मालूम है 14 फरवरी को? 14 फरवरी को इस 14 के उस 14 फरवरी को कुछ दिवस मनाया जाता है। पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी को, ब्लैक डे मनाया जाता है। जी जी, तो कैसे श्रद्धांजलि आप लोग देते हो, दीप कहना चाहते हो उन शहीदों के लिए? दीप जला के हम लोग देते हैं, मोमबत्ती जला के। 14 तारीख को शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, जी जी, कैसे उनको देते हो? उनके लिए क्या कहना चाहते हो भाई? वही अब सांत्वना उनके परिवार के लिए, उनके परिवार सुखी रहे, अच्छे रहे, बस और क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप बता दीजिए 14 फरवरी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है 14 फरवरी? भाई 14 फरवरी पुलवामा अटैक के लिए अगर जाना जाता है, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, तो बिल्कुल मनाना चाहिए। उन शहीदों के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? इतनी वीर के लड़के तमाम हुए 4 साल के लिए, अभी ट्रेनिंग से जैसे गए मार दिए गए, तो सरकार यहाँ विफल है। सरकार को पूरी तैयारी से ट्रेंड वहाँ सैनिकों को लगाना चाहिए और सेना को बढ़ाना चाहिए। जब तक सेना की बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक ये नहीं रुकने वाला है। क्या नाम है? विजय कुमार तिवारी। 14 फरवरी को क्या हुआ था? नहीं मालूम है, आप बताएं। आप बताएं क्या हुआ था, आप बताइए। अरे 14 फरवरी को 42 जवान हमारे जो है शहीद हुए थे, आपको मालूम है ना, बम ब्लास्ट हुआ था। अंकल बोल रहे हैं, आप बताइए, आपको मालूम ही नहीं मालूम है, अंकल बता रहे हैं। और वो कल का दिन जो है बहुत का दिन है, और उस जो हमारे नौजवानों ने जो शहादत दी है उस ये उनको श्रद्धांजलि करने का दिन है। और उनके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए उन्होंने जान दी है खुद ही, ठीक है। और मैं उनको सल्यूट करता हूँ और उनकी शहादत को हम लोग प्रणाम करते हैं, इस पर हम राजनीतिक नहीं करना चाहते। सर, मैं 14 फरवरी के बारे में जानना चाहता हूँ। 14 फरवरी को 8,000 डंडे बजरंग दलाल ने खरीदे हैं।
ने यहाँ पर वैलेंटाइन डे बुला बनाया जा रहा है भारत में। वैलेंटाइन के मतलब कोई जानते नहीं है। एक संत थे, उन्होंने प्रेम का बात किया था, लेकिन यहाँ प्रेम को शारीरिक सुख मान लिया है लोगों ने। और अखबार में हमने पढ़ा था 3-4 दिन पहले कि बजरंग दल वाले 8,000 लाठी खरीदे हैं। अब ये तो हमें नहीं मालूम, शायद वो जो लड़के प्रेम करेंगे उनको मारेंगे। अपराध का नाम ही प्रेम है और प्रेम का नाम अपराध है, तो प्रेम करना नहीं सिखाता ये भारत है, आपस में बैर रखना ही सिखाता है। आपस में बैर रखो और कहीं मान लिया उस लड़का और लड़की के जोड़े में किसी बजरंग दलवाले की बहने हो तो क्या करें हूं? का वो कलठी है का कि ब्याह कर रही है, कल शादी के लगन बहुत तेज है। 14 फरवरी को तो काला दिवस भी मनाया जाता है पुलवामा अटैक वाले जो सही कानून बना ना उनकी कोई मांगे भाई, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। 14 फरवरी को जानते क्या हुआ? 14 फरवरी को मनाया जाता है, पहले तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। ये 14 तारीख को ये इंग्लिश त्योहार ना मनाकर देश में एक ऐसा चीज हुआ, क्या हुआ? अटैक जिसको पुलवामा अटैक के नाम से दिया गया, ये एक देशवासियों के लिए पूरे के पूरे दुखी की बात कि लोग अच्छे से हर साल इसको मनाया करते थे, धूमधाम से लोग मनाया करते थे वैलेंटाइन डे। हाँ, लेकिन अब ऐसी हालात हो गए हैं कि वैलेंटाइन डे छोड़कर इंसान सिर्फ पुलवामा की ही बात करता है। किसी से पूछे वैलेंटाइन डे मनाया? नहीं, मैं तो पुलवामा अटैक जान रहा हूँ। अगर कुछ उस दिन हो जाता है तो हम लोग उसके लिए शोक मनाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतना बड़ी मात्रा में बम ब्लास्ट हुआ कैसे? जानकारी इसकी क्यों नहीं मिल रही है कि ये इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी हमारी इतनी गाड़ियां जा रही थी उसमें हमारी गाड़ियों पे अटैक कैसे हो गया? जांच तो सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ही कर रही है। वो चारा घोटाला की कर रही है, वो दारू शराब की घोटाले की बात कर रही है, ये जो अटैक हुआ इसके बारे में कोई वही नहीं हो रहा है। आप 14 फरवरी को जानते हो क्या हुआ? जी हाँ, 14 फरवरी देखिए, आप 14 फरवरी जी हाँ मालूम है। 14 फरवरी के दिन देखिए पुलवामा घटना हुई थी, उसमें न जाने कितने सैकड़ों जवानों की जान गई थी और वो दिन हम लोग भूले नहीं हैं। और जिस तरह से लोग वैलेंटाइन डे मनाते, हम चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे देश शहीद जो जवान हुए थे 14 फरवरी को, उनको नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। 14 फरवरी को आप किस तरीके से देखते हैं, किस रूप में? देखिए 14 फरवरी तो अब नया एक सिस्टम बन गया है भैया, सबको अपनी खुशी का इजहार करने का है, अपने जो अंदर की खुशी है अपने दोस्तों से व्यक्त करने का एक डेट चुना हुआ है उन्होंने। बट ये है कि खुशी मनाएं लेकिन संयम बरतें। कैसा खुशी मनाएं? जैसे मनाते थे जो है वैसे खुशी मनाएं लेकिन संयम थोड़ा बरतें। कौन सा दिवस है, कौन सा दिन है 14 फरवरी को, क्या नाम से पुकारा जाता है? फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे सर, 14 फरवरी को जानते क्या हुआ था कि 14 फरवरी को क्या हुआ था, कुछ जानते हैं क्या मनाया जाता है? हम लोग कुछ जानते ही नहीं। अपने वहाँ तो गंगा स्नान है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन ये बाहर की कल्चर में जो है फ्रेंडशिप डे है। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को हम लोग शंकर जी का जल चढ़ाते हैं, इलाहाबाद में स्नान करते हैं, जाते हैं और क्या करते हैं, और राम मंदिर के पूजा कर पाए। सर ये बताइए सर, 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं आप? 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं? वैलेंटाइन डे विदेश से आया हुआ ये कोई एक फेस्टिवल आप कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे देश में ये नहीं पैदा हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है कि कोई दोस्त एक दूसरे को विश करता है या क्या करता है। अब इसको लोग गलत रूप दे रहे हैं, इसमें कुछ संगठन मैदान में उतर आए हैं। कौन कौन से संगठन? अब हम संगठन का नाम नहीं लेंगे, हम संगठन का नाम लेके क्यों उनको प्रचारित करें?
हम किसी संगठन का नाम नहीं लेंगे, ना हमारा किसी संगठन से कोई किसी प्रकार का भेदभाव है, लेकिन कुछ संगठन है जो सड़कों पर आकर जो सीधे साधे भी लोग हैं उनको भी इसमें वो भी इसमें पीस दिए जाते हैं। ऐसा कौन क्या हुआ हुआ था, खाली ये बंटी उसको ले रहे हैं, उसके अलावा 14 तारीख को कौन सा ऐसा महादिन है जो आप बताइए? नहीं, हम कोई महादिन नहीं मानते, हमें ध्यान नहीं, हमें जानकारी नहीं। 14 तारीख को जो ये बता रहे वो आप बिल्कुल बैंड लग चुका होना भी ना चाहिए, क्योंकि हमारे जवानों की शहादत हुई थी, 42 जवानों की शहादत हुई थी। वो खुशी का दिन नहीं है मनाने का, हमारी बात समझिएगा, वो शोभ का दिन है। और ऐसा भारत का जश्न मनाता है तो देशद्रोही है, देशद्रोही। आप 14 फरवरी को क्या किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल गलत है, पश्चात सभ्यता है, बस इससे आगे नहीं। पश्चात सभ्यता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सनातन वाले हैं। क्या नाम है आपका? पिंपाल है भाई। आप 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं? अरे जैसे अब तो अपना है, मतलब जो है कि भाई क्रिश्चियन है वो तो उनका वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, और अपने यहाँ क्या मान लिया जो है कि उसी दिन आतंकवादियों ने वही दिन ढूंढते हैं, आप तो जानते हैं, मतलब चाहे 26 जनवरी हो, चाहे गणतंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, आतंकवादी हिंदुस्तान कैसे दुख का दिन आ सके तो वो 14 फरवरी ढूंढे थे। उस दिन अपने यहाँ पुलवामा के शहीद हुए थे तो लोग कुछ वही मना रहे हैं। अब लड़का कैसे आप उन जो शहीद हुए थे उन शहीदों के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक लाइन में? नहीं, उनकी प्रति तो हमारी संवेदनाएं हैं, मतलब हम लोग उनके साथ, उनके दुख के साथ हैं, उनके परिवार के दुख के साथ, जो शहीद हो गए तो शहीद हो गए, ठीक है, उनके दुख के साथ हैं हम लोग, लेकिन बताते अब दुनिया भर में जैसे वैलेंटाइन ही चल रहा है। सर, ये 14 फरवरी को किस रूप में देख रहे हैं आप? भाई हमारे हिसाब से तो नया साल मनाया जाता है बसंत पंचमी के दिन, जो है नए साल के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नया साल होता है, तो बसंत पंचमी के दिन से शुरुआत होती है इसकी। जो है 14 फरवरी एक्चुअली में जो है फॉरेन कंट्री से जो है रिटर्न हुआ है वैलेंटाइन डे के रूप में, जो हमारे देश में जो है नए हुआ, जिसको देख रहे हैं, जो काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है और हमारे देश में जो है हम जो है दूसरी संस्कृति से हैं, इसको देखते हुए इसको सही नहीं कहा जाएगा। और हम लोग की संस्कृति जो है माँ बाप का सम्मान करना, कैसे अपने जो है परिवार के साथ रहना, ये सिखाता है, अच्छे से रहने का सिखाता है। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर लगातार शहरों में से अब ये धीरे धीरे गाँव में भी जा रहा है, इसका प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है, तो इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि इस पर जो है कुछ अच्छे नए नियम बने जिस सुधारा जा सके इसको। सर आपका नाम क्या है? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, 14 फरवरी को आप किस रूप में देखते हैं? जो 14 फरवरी का दिन है वो किस लिए जाना जाता है? भैया बसंत पंचमी है, मैं जानता हूँ कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अगर कुछ आपके जानकारी में हो तो बताइए। 14 फरवरी को पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। भैया हमारी तो जितने मृतक आत्मा है उनको श्रद्धांजलि है, लेकिन उस पर भी तो बवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने जानबूझकर उनको जो है बसों से ले आया, उनके लिए हेलीकॉप्टर मंगाया जाना चाहिए था। पूर्व गवर्नर जो है बोले थे कि जो है गृह मंत्रालय को कि इनको जो है हेलीकॉप्टर मुहैया कराई जाए, हवाई जहाज मुहैया कराई जाए, नहीं कराए। आप उनके लिए एक वाक्य में क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत दुख है कि ऐसी घटनाएं हुई भारत में, जबकि नहीं होना चाहिए था। सर आप बताइए, सर 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं? 14 फरवरी का दिन है, उसका क्या महत्व आपकी नज़र में? 14 फरवरी क्या कहने का मतलब है आपको? 14 फरवरी के बारे में कुछ कोई डे है, कुछ उसका महत्व है, कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं, आप थोड़ा जिक्र करिए तो मैं बताऊंगा आपको। 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं आप? भैया से पूछ लीजिए थोड़ा, आप ही बता दीजिए, कुछ तो बताइए। 14 फरवरी को शहीद, देखिए मुझे तो आइडिया नहीं, अभी तो सो के उठा हूं। जानना चाह रहा है, आप बताइए तो हम बताएं। क्या नाम क्या है आपका? नहीं, आप जानना क्या चाह रहे हैं? जानना ये चाह रहे हैं कि 14 फरवरी को आप किस रूप में देखते हैं, आपके दिमाग में उस चीज़ को लेकर के 14 फरवरी को क्या महत्व है? कुछ हुआ था, कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ था, कुछ जानते हैं 14 फरवरी? हमारा तो नाम अजय यादव है। अच्छा, इतनी देर बाद नाम क्यों बताइए? नहीं, अब आप पूछने लगे तो इसीलिए, बोलने से पहले तो बताना पड़ेगा ना कि हम कौन बोल रहे हैं, क्या है, तो इसीलिए आपने पूछा तो हमने कहा आप जानना क्या चाह रहे हैं वो बताएं। 14 फरवरी को आप किस तरीके से देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? 14 फरवरी
सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। कुणाल तिवारी। कुणाल तिवारी जी, ये 14 फरवरी वाला दिन जो है, 14 फरवरी को किस रूप में देखते हैं, क्या महत्व है 14 फरवरी आपकी नज़र में? मेरे लिए तो इस साल बसंत पंचमी पड़ रहा है, उसके अलावा तो मैं नहीं जानता। किस तरीके से देखते हैं 14 फरवरी को? क्या बताएं, हम तो बता दें, क्या बोल रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं। 14 फरवरी को आप किस रूप में देखते हैं, 14 फरवरी वाला दिन आपके लिए किस तरीके से महत्व रखता है? दिन तो सारे ईश्वर के बनाए हुए हैं, प्रकृति के बनाए हुए हैं, तो सारे दिन जो 14 फरवरी का तारीख है उसका कुछ खास महत्व है आपकी नज़र में? 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाती है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो पौराणिक महत्व भी है उसका। बाकी हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए प्रेमी प्रेमिका दिवस भी है, तो वो भी आनंदमय है, सारी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ों का समागम होना चाहिए। बच्चों के लिए मौज मस्ती है, बुजुर्गों के लिए त्यौहार है। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी जानकारी है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोग को नहीं याद है। 40 जवान हमारे देश के पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, फिलहाल हमें भी उन शहीदों का नमन करना चाहिए। जो ये देखते रहिए मेरी पड़ताल।